बढ़िया अभिमान। एक बार क्वेश्चन बताना, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे फिजिक्स क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर का? अरे चलो सब लोग अपनी रफ कॉपी वगैरह लेके बैठ जाओ साथ में। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं। जो जो नया ज्वाइन कर रहे हैं जय हनुमान जरूर कर देना, मैं अटेंडेंस देखता हूँ उससे, ठीक है? चलो अब नया टॉपिक है हमारा। हमने एओडी में रोले और एलएमबीटी कर ली थी, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में रोले और एलएमबीटी हो गई थी, और लास्ट में हमने कुछ जेई के प्रॉब्लम्स किए थे। अब आज का टॉपिक है प्रूविंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। अब बेसिकली जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके एप्लीकेशन हैं, प्रूविंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक था ना, जिसमें हम ये फाइंड आउट करते थे कि भाई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसको यूज करके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को यूज करके हमें क्या करना है, मतलब इनइक्वालिटीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम 32 लिखते हैं। प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज को प्रूव करना है तो आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर 0 टू x टू पाई बाई 2, ये इंटरवल दिया हुआ है उसने, और इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन x इज लेस देन x less than tan x, ये प्रूफ करना है। For 0 to x to pi by 2, sin x is less than x less than tan x, ये प्रूफ करना है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटीज को प्रूफ करना है तो जो भी इंटरवल है उसी के ऊपर आपको प्रूफ करना है, मतलब ये ध्यान रखना है ये 0 से पाई बाई 2 में ही प्रूफ करना है, उसके आगे भी प्रूफ नहीं करना है, उसके पीछे भी प्रूफ नहीं करना है। फॉर 0 टू x टू पाई बाई 2 एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, से मैंने एक फंक्शन मान लिया, आप साइन एक्स माइनस एक्स भी मान सकते हो। जो प्रूव करना है ना, पूरी एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ या राइट हैंड साइड में ले जाओ, कुछ एक जगह मतलब ले जाओ, या तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ या राइट हैंड साइड में ले जाओ, मतलब आपके पास ये चॉइस है कि आप साइन एक्स माइनस एक्स भी मान सकते हो और एक्स माइनस साइन एक्स भी मान सकते हो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए, फिर इसको प्रूव करने के लिए अलग से मानेंगे। ठीक है, तो अभी मैं मान रहा हूँ साइन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसका क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो आप ये जानते हो कॉस एक्स माइनस 1 तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 से छोटी। तो कॉस एक्स माइनस 1 क्या होगा, या तो 0 होगा जब कॉस एक्स 1 होगा और नेगेटिव होगा। कॉस एक्स 1 कहाँ पर होता है, 0 पर होता है, इसीलिए ये तो क्लियर हो गया कि भाई इक्वालिटी यहाँ पर आएगी नहीं, इसीलिए पक्का से लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल गया कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन 0 टू पाई बाय 2। ठीक है जी, ये पता चल गया, तो अब लिख लेते हैं फॉर 0 टू x टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम ये पहले से ही जानते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज को चेंज करते हैं, तो इसके ऊपर लगा दो, अब साइन एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 0 पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस पाई बाय 2, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि साइन एक्स माइनस एक्स डिक्रीजिंग है। तो इनइक्वालिटी में एक पार्ट भी हम उठा सकते हैं, जैसे ये वाले पार्ट को अगर उठाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज लेस देन एक्स। ठीक है, समझ आ रहे हैं, साइन एक्स इज लेस देन एक्स। तो मैंने साइन एक्स माइनस एक्स को एक फंक्शन मान के उसमें ये देख लिया कि वो डिक्रीजिंग है, वहां से मेरे पास आ गया कि साइन एक्स जो है वो एक्स से छोटा है। अब नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, टैन एक्स वाला, तो सेम इंटरवल लेना है हमें 0 से x से पाई बाय 2। ठीक है, इसमें अब जी एक्स मान लेते हैं, तो हमने एक जी एक्स मान लिया टैन एक्स माइनस एक्स, आपकी इच्छा है, आप x माइनस टैन एक्स मानना चाहते हो वो मान लो, टैन एक्स माइनस एक्स मानना चाहते हो मान लो, डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव कितना देगा, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास टैन स्केयर एक्स। तो ये देख के समझ आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 में तो ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग।
ठीक है, जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप यहाँ पे एक्स माइनस टेन एक्स मानते तो ऑब्वियसली वो क्या आ जाता, डिक्रीजिंग आ जाता, तो जो भी मानोगे उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकल कर आ जाएगा। अब इंक्रीजिंग आ गया तो हम क्या बोलेंगे, जीरो से एक्स से पाई बाय टू में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, टेन पाई बाय टू इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पार्ट का हमें जरूरत है तो टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों को अगर हम क्लब करेंगे बिकॉज बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज लेस देन एक्स लेस देन टेन एक्स फॉर जीरो टू एक्स टू पाई बाय टू, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया और इसको हम बहुत बार यूज भी कर चुके हैं। आपको अगर याद हो इनको कैसे यूज करते थे, ऐसा बनाया हुआ है ना हमने जीरो से पाई बाय टू में, अगर हम इनका ग्राफ देखते हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ऐसे जाती है, लिमिट में भी हमने यूज किया था, ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ रहता है वो इससे नीचे रहता है, ऐसे आता है साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ इससे नीचे रहेगा, ठीक है। ये पाई बाय टू कॉमा वन हो गया, ठीक है, और जो टेन एक्स का ग्राफ है वो इससे ऊपर रहता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ हो गया, वो पाई बाय टू पे इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहां से भी देख के आपको ऐसा ध्यान में रखना है। अच्छा, जीरो के बैक साइड पर वो उल्टा हो जाता है क्योंकि टैन एक्स नीचे आ जाएगा साइन एक्स ऊपर हो जाएगा, तो नेगेटिव के लिए ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां तक जो भी मैंने बताया आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से इनइक्वालिटी को प्रूव करना है यूजिंग मोनोटोनिसिटी, तो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, जो भी इनइक्वालिटी प्रूव करनी है उससे एक फंक्शन बना लो और डेरिवेटिव लेके उसमें क्या करो, ये चेक कर लो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 33, ठीक है, प्रॉब्लम 33 पे जाना है। प्रॉब्लम 33 में क्या है, देखो अभी इधर ध्यान दो सब लोग, x ln x is greater than x minus 1 for x greater than 0, हटा देते हैं। इसमें क्या होगा, देखो x greater than 0 तो इसका डोमेन है, नहीं आया हर्ष आपको, नहीं आया समझ, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए ना तो क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, एक फंक्शन मानना है, इन टाइप के प्रॉब्लम्स में जो भी इनइक्वालिटी दी हुई है उसको देख के एक फंक्शन मानो, ठीक है। फिर उस फंक्शन को क्या करना है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता कर लेना है, क्योंकि हम मोनोटोनिसिटी का यूज कर रहे हैं ना, तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते, डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं वो इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं। तो आपको एक इंटरवल लेके उस पे उस फंक्शन को लगा देना है, तो इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, उसी से वो रिजल्ट बन जाएगा। अब जैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन है x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, तो ये जो आंसर आएगा ये 0 से इंफिनिटी के बीच में ही आएगा, समझ लो। तो आपको क्या करना है, अगर x ln x, अब इसमें उल्टा है, वो ये नहीं कह रहा कि ये प्रूफ करो, वो कह रहा है x ln x अगर ग्रेटर देन x माइनस 1 है तो ये बताओ कौन से इंटरवल पे ये स्टेटमेंट सही है, सॉल्व करो जल्दी से और बताओ आंसर मुझे।
क्लियरली सब लोग? चलो देखो, इसका भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दे। क्या करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। देखो जिसको नहीं समझ आया, अब आपके पास दो ऑप्शन है फंक्शन एज्यूम करने के, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन माइनस एक्स एल एन एक्स। तो हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो मैंने फंक्शन मान लिया एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा आप सब लोगों को, कैसे किया इस टर्म को मैं उस डायरेक्शन में ले गया, ठीक है। तो अब मेरे को ये ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है। एक्चुअली मैं ये ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्रूव नहीं करना है इसमें। ये गिवन है कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मुझे पहले से ही पता है कि भाई क्योंकि एल एन एक्स आ गया तो इसका डोमेन जीरो से बड़ा है, तो मैंने अब क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। अगर एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या वैल्यू बनेगी, एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू वन माइनस वन, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आपका एल एन एक्स आ जाएगा। अब एल एन एक्स जो है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है और हमेशा नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका इंटरवल है। आपको पता है जीरो से वन में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वन से आगे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें इसको इंटरवल लेना पड़ेगा, तो एक केस लेना पड़ेगा जीरो से वन और एक केस लेना पड़ेगा एक्स ग्रेटर देन वन। समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू वन पर क्या बिहेवियर है वो देख लेते हैं। x equal to 1 पर क्या होगा, अगर आप इसी इनइक्वालिटी में भी पुट करोगे, x equal to 1 पे f dash 0 0 हो रहा है, f dash of 1 0 हो रहा है, सॉरी, x equal to 1 पे f dash of 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 1 पर क्या होगा, अगर आप 1 इसी इनइक्वालिटी में पुट करते हो तो 1 ln 1 is greater than 1 minus 1 आ रहा है, तो 0 greater than 0 आ रहा है, तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 पे देखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि बस 1 इस इनइक्वालिटी में नहीं आएगा, ठीक है जी। ये हम सबको समझ आ रहा है कि 1 इस इनइक्वालिटी में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, f of x का डेरिवेटिव ले लिया जो कि एल एन एक्स आया। अब उसके बाद क्या हुआ, इंटरवल लिया जीरो से वन और एक्स ग्रेटर देन वन। और जीरो से वन क्या होगा, एल एन एक्स आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, जानते हो सब लोग, ऐसा ग्राफ होता है एल एन एक्स का, इस टाइप का ग्राफ होता है ना, जीरो से वन में एल एन एक्स का ग्राफ है। जीरो से वन में एल एन एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो हमें पता चल गया एल एन एक्स नेगेटिव है, मतलब हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये इनइक्वालिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जीरो से एक्स से वन पे एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन लगाना है आपको, समझ आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पर अगर आप पुट करोगे तो आ जाएगा जीरो एल एन जीरो माइनस जीरो प्लस वन से लेकर, डिक्रीजिंग है ना, इनइक्वालिटी चेंज होगी, हाँ हाँ डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। वन पुट करेंगे तो वन एल एन वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो जीरो एल एन जीरो लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो ये जीरो निकालना, ये जीरो के बराबर आएगा आपका, ठीक है, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो इस तरफ आपके पास जीरो माइनस जीरो प्लस वन आ गया, तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू वन हो गई, ठीक है। वन इज ग्रेटर देन एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एल एन वन, जीरो होता है तो ये जीरो आ गया। तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो रहा है, ये चाहिए ना। देखो एक्स एल एन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, तो प्रूव हो रहा है, यहाँ से आ जाएगा एक्स एल एन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। तो एक इंटरवल कौन सा आ गया मेरे पास, जीरो से वन, तो दिस होल्ड्स फॉर जीरो टू वन, ओपन इंटरवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर देन वन देखते हैं। ग्रेटर देन वन में क्या है, अगर आप ग्रेटर देन वन देखोगे तो एल एन एक्स इंक्रीजिंग ग्राफ भी होता है, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, मतलब दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ओफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है जी, एफ ओफ एक्स इंक्रीजिंग आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन वन के ऊपर फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन वन एल एन वन, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये जीरो हो गया। तो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्योंकि एल एन वन जीरो होता है, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एल एन एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस वन आ गया। तो किस इंटरवल के लिए ये होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है वन से इंफिनिटी के लिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, किस किस इंटरवल के लिए होल्ड कर रहा है, हमारा फाइनल आंसर आएगा इन दोनों का यूनियन, इंटरसेक्शन तो आ नहीं पाएगा ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा
जीरो से वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, क्योंकि अलग अलग इंटरवल्स हैं तो अलग अलग इंटरवल्स में हमें यूनियन लेना पड़ता है। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो भाई समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो इसको, कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 33। अब 34 देखते हैं। प्रॉब्लम 34 देखो ध्यान से। प्रॉब्लम 34 है मेरे पास। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन एल एन एक्स। प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन एल एन एक्स। इससे पहले वाले में एक्स एल एन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन था। ठीक है जल्दी से चेक कर लो, फिर आगे वाले टॉपिक पे जा रहे हैं। जल्दी करो भाई, ट्राई करो, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फंक्शन मानो, जल्दी से डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। जिसका भी आ गया वो इमोजी बना दो, एक्टिव रहा करो सुबह सुबह। चलो देखो क्या करना है, बड़े आसान क्वेश्चन है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। इसमें फंक्शन को मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एल एन एक्स। ठीक है, तो इसको ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है आपको। आप उधर ले जाके भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स ले लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन वन के लिए चेक करना है, तो उससे ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो टू एक्स माइनस वन बाई एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, टू एक्स के माइनस वन बाई एक्स लिख दिया। अब इसका जो रूट आ रहा है, इसके क्या क्या रूट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है जीरो, एक यहाँ से आ जाएगा वन बाय रूट टू, एक आ जाएगा माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा आप सबको, किसकी नंबर लाइन हो गई, एफ डैश एक्स की। ठीक है, हमें जीरो के आगे देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो जीरो के आगे है, जीरो के पीछे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर डोमेन आ गया ना एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, तो जीरो के आगे देखते हैं। तो वन वैल्यू पुट करो इसमें एफ डैश एक्स में। वन पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ग्राफ आपका डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे आपका ग्राफ इंक्रीज करेगा। हमें अब जो एक्चुअल देखना है वो ग्रेटर देन वन के लिए देखना है। तो हमें ये समझ आ गया, फॉर एक्स ग्रेटर देन वन
एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, क्लियरली पता चल रहा है, इस यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी पे लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एल एन एक्स इज ग्रेटर देन वन माइनस वन माइनस एल एन वन। तो हो गया प्रूफ, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, क्या प्रूव करना था, एक्स के माइनस वन, एक्स के माइनस वन इज ग्रेटर देन, ये जीरो आ गया, एल एन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, प्रूव हो गया, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। अब सब लोग जिस जिसको ये क्लियर हो गया ऑल क्लियर करो जल्दी से, फिर मैं नए टॉपिक पे जा रहा हूँ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, जो भी क्लास में प्रेजेंट है वो जरूर यहाँ पे लिखे, नहीं तो मेरे को ये रहता है कि भाई ये वाला बच्चा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनसन्स इनइक्वालिटी, ये कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो शेप ऑफ द कर्व होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब एओडी के पार्ट हैं, ठीक है। चलो अब इसको ही एक प्रॉब्लम से समझाता हूँ, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको। प्रॉब्लम 35, इसको हो सकता है हमने पहले भी डिस्कस कर रखा हो। तो इसमें अब जैसे पहले प्रॉब्लम में हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 3e(x1) प्लस e(x2) डिवाइडेड बाय 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो जेनसन इनइक्वालिटी में जैसे मैंने बताया, आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। फिर सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी शेप कैसे बनेगी, कॉनकेव बनेगा कॉन्वेक्स बनेगा, तभी हम उसको जज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ अभी, अब देखो एक बार, जैसे मान लो ये हमारे पास हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब ई रेस बार एक्स का ग्राफ हम सबको पता ही है किस टाइप का होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है। तो ये वाई इज इक्वल टू ई रेस बार एक्स का ग्राफ है। ई रेस बार एक्स का ग्राफ ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ई रेस बार एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसकी शेप जो होगी वो कॉन्केव होगी, देखने में समझ आ रहा है, और आप इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो। जैसे आप डेरीवेटिव एक बार लोगे तो ई बार एक्स आएगा, डबल डेरीवेटिव लोगे वो भी ई बार एक्स आएगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो वाई डैश पॉजिटिव है तो उससे क्या पता चलेगा कि ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उससे क्या पता चलेगा, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है उससे पता चलेगा इसकी शेप क्या है, कॉनकेव है, तो वो वैसे ही एकदम ग्राफ बन रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया x1 और x2। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है x1 और x2, कहीं भी मान सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने मान लिया x1, ex1, तो ये वाला पॉइंट हो गया x1, ex1, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा x2, ex2, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करना है, एक लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ये मैंने एक लाइन बना दी, से इसको पी क्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो ये x1 ex1 इस कर्व के ऊपर पॉइंट आ गया और x2 ex2 इस कर्व के ऊपर पॉइंट आ गया। अब ना आपको ना यहाँ से हिंट मिलेगा, मतलब x1 x2 को देख के आपको ना आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये सेक्शन फॉर्मूला कुछ बन रहा है, 3 1 4 ऐसा बन रहा है, 3 1 4। सेक्शन फॉर्मूले में होता था ना mx2 + nx1 / m + n, तो सेम वैसे कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3x1 + x2 / 4 कैसे बना सकते हैं। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो, से कैपिटल M, जो क्या कर रहा है, x1 ratio x2 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है।
अच्छा 3:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको थोड़ा इधर लेते हैं, क्योंकि 3x1 चाहिए ना मुझे, तो ये 3:1 मान लेते हैं। ठीक है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 3ex1 से मल्टीप्लाई होगा 3ex1 प्लस ex2 डिवाइडेड बाय 4, ये m के कोऑर्डिनेट हो गए। अब ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया इस प्रॉब्लम को देख के जो हमें प्रूफ करना था, उससे हमें ये समझ आया कि ये कुछ ऐसा मेरे को बनाना है। अब जेंसेन इनइक्वालिटी का क्या यूज है, जेंसेन इनइक्वालिटी क्या कहता है कि भाई जो भी पॉइंट रिक्वायर्ड है, जो भी आपको स्टेटमेंट इनइक्वालिटी में दिख रही है, उसी को ग्राफ पे भी एक्सटेंड करना है आपको। जैसे हमने ये वाला पॉइंट बनाया, अब इसको हम ग्राफ पे एक्सटेंड करेंगे, तो ग्राफ पे अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो होगा क्या, एक वर्टिकल लाइन बना दूंगा मैं। तो मैंने इस पॉइंट से पास करने वाली एक वर्टिकल लाइन बना दी, वो यहाँ पे जाके इस ग्राफ को कट कर रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे मेरा एम था, तो मैंने यहाँ पे एन ले लिया एक पॉइंट। अब एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो एन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 4। समझो इस बात को ध्यान से, क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन पर हमेशा सेम रहता है, तो 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। और एन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, एन का वाई कोऑर्डिनेट किसके ऊपर होगा, एन का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ग्राफ के ऊपर है ना, तो ये कैसे मिलेगा, इसको ग्राफ में पुट करोगे तो ई की पावर 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 4। अब इस लाइन के ऊपर अगर एम और एन को आप देखोगे, एम का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो एन के एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा, बट जो एम का वाई कंपोनेंट है वो हमेशा एन के वाई कंपोनेंट से बड़ा होगा। इक्वल तब होंगे, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए, मतलब ये दोनों पॉइंट आप क्लब कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, वो कॉर्ड नहीं बनेगी, वो एक पॉइंट ही बन जाएगा, तो उस केस में इक्वालिटी आ जाएगी, इसलिए हम इक्वालिटी ले रहे हैं। तो m का y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 3ex1 प्लस ex2 डिवाइडेड बाय 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर n का y कोऑर्डिनेट क्या है, e रेज़ टू द पावर 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये ग्राफ कॉनकेव था तो इसमें जो कॉर्ड के ऊपर पॉइंट आ रहा था वो ग्राफ से ऊपर था। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो क्या होता है, जो कॉर्ड अगर कॉन्वेक्स होता मतलब ग्राफ उल्टा होता ऐसे करके होता, तो उस केस में क्या होता, जो कॉर्ड के ऊपर पॉइंट आता वो ग्राफ के पॉइंट से, जैसे ये एन आई एम है, उस केस में क्या होता, एन का वाई कोऑर्डिनेट एन के वाई कोऑर्डिनेट से बड़ा होता। ठीक है, तो बस इन दोनों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, या तो कॉन्केव ग्राफ बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखो अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जिसको भी क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो। हाँ मैं एक और ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा दीपांशु, डोंट वरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, जिसको ये क्लियर नहीं हुआ एक और क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 35 था, 36 देखो। बेसिकली इसमें क्या है, इन प्रॉब्लम्स में कि आपको ना ग्राफ की शेप देखनी है, फिर उसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करना है, तो बस उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखते हैं, देखो, तो इनर ट्राइंगल ए बी सी हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज 3√3/2, 60 डिग्रीज पे आती है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। सेकेंड कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी आएगी, 3/2। तो ये हमें प्रूफ करना है, चलो अब देखते हैं।
तो साइन का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है ना, और कॉस का ग्राफ भी 0 से पाई बाय 2 में कॉन्वेक्स होता है, फिर पाई बाय 2 से पाई में कॉनकेव होता है। ठीक है, तो अभी मैं जो साइन का प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, तो जिसको भी नहीं समझ आया था अभी तक वो इधर ध्यान दे अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, वही सेम अपना जेंसेन इनइक्वालिटी का मतलब है हम कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी का यूज़ करेंगे। तो हमने वाई एक्सिस बना लिया अपना और ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया साइन। अब जब आप ए बी सी लिख रहे हो, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो अंडरस्टूड है ए बी सी जो होंगे वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेंगे। ए बी सी जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी एंगल 0 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो ए बी सी आपके 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेंगे। ये तो हमें क्लियर है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ कैसा रहता है, ये इस टाइप का ग्राफ रहता है। मैं थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। ठीक है, अब आपके ए बी सी अपने क्या है, 3 पॉइंट है, तो कहीं पे भी 3 पॉइंट ले लो ए बी सी। ये ए बी सी जो ये वाला ट्राइंगल बनेगा वो एक्चुअल ट्राइंगल नहीं है, ए बी सी आपके एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल डिनोट कर रहे हैं, समझ गए। तो ये अगर हम मान रहे हैं एक्स वन, तो इसका 7 वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, साइन एक्स वन। ये वाला एक्स टू मान रहे हैं, तो इसका 7 वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा साइन एक्स टू। ये एक्स थ्री मान रहे हैं, तो ये साइन एक्स थ्री। समझ रही, ये ए बी सी ट्राइंगल नहीं है, आपने जो एंगल्स हैं वो आपने प्लॉट कर रखे हैं यहाँ पे। मतलब ए मान लो 30 डिग्री है, बी 70 डिग्री, ऐसे करके आपने एंगल्स को प्लॉट कर रखा है। तो ग्राफ हमने बनाया हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स थ्री की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल और एक्चुअल ए बी सी अलग होगा, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल, ये ए एंगल दिख रहा है आपको, बट एक्चुअली में तो ए एंगल की वैल्यू कितनी, एक्स वन है, तो ये जरूरी नहीं है ना एक्स वन हो, इसीलिए। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ए बी सी ऐसा है, मतलब ए बी सी की वैल्यूज हमने तीनों प्लॉट कर ली 0 से पाई के बीच में। एक चीज हम और जानते हैं कि भाई हमें साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स थ्री बनाना है, तो साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स थ्री कैसे बन जाएगा, सेंट्रोइड से बन जाएगा। जनरली इसमें यही होता है, वो पॉइंट सोचना होता है, वो पॉइंट कैसे बनाए, जो भी आपको प्रूफ करना है। तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया इसमें जी पॉइंट। ठीक है, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखने भी समझ आ रहा है आपको, जी सेंट्रोइड। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स थ्री बाई थ्री। ठीक है, तो ए एक्स वन हो गया, बी एक्स टू हो गया, सी एक्स थ्री हो गया, और हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो मैंने क्या किया, अब एक वर्टिकल लाइन खींच दी यहाँ पे, तो ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई, और ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पी है। तो आप जानते हो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, क्योंकि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू सेम, एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू होती है, मतलब वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0 ना, तो इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब इसके वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्योंकि ग्राफ साइन एक्स का है, तो ये कोऑर्डिनेट को आप साइन में पुट कर दोगे। ये तो पता है ना सबको भाई, किसी भी ग्राफ में अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जो वहां पे एक्स, जो एक्स की वैल्यू है पुट कर दो उसमें। अब ग्राफ देख के आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ग्राफ किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है, तो जी जो है वो ग्राफ के अंदर है, पी जो है वो ग्राफ के ऊपर है, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट जी के वाई कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा, पी का वाई कोऑर्डिनेट जी के वाई कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। देखने में समझ आ रहा है ना, ये पी का वाई कोऑर्डिनेट है और ये जी का वाई कोऑर्डिनेट है। बराबर कब होंगे, जब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सारी वैल्यूज आप सेम ले रहे हो, ले लोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स वन प्लस साइन ऑफ एक्स टू प्लस साइन ऑफ एक्स थ्री बाई थ्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री। अब आपने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कैसे चूज किए थे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपके ए बी सी है बेसिकली, तो अब हम उसमें ए बी सी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, हमें मैक्सिमम निकालनी थी, मिनिमम निकालनी थी, एक मिनट, इसमें क्या है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी है ना, तो हमारे पास पी का वाई कोऑर्डिनेट, पी का वाई कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन जी का वाई कोऑर्डिनेट, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट है साइन एक्स वन, मैंने उल्टा लिख दिया ना, पी का वाई कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो ये मैंने ऐसे थोड़ा उल्टा लिख दिया ये, इसलिए वो मिनिमम निकल जा रहा है मेरा ना, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, जी का जो वाई कोऑर्डिनेट है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी का वाई कोऑर्डिनेट। ये तो देख देख के समझ आ रहा है,
जी का वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी का वाई कोऑर्डिनेट, मैंने उल्टा लिख दिया, पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पी का वाई कोऑर्डिनेट ये वाला है, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है अब सही है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये हमने अब एक्स वन को ए मान लेना है, एक्स टू को बी मान लेना है, एक्स थ्री को सी मान लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई थ्री इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, तो साइन 180 बाई थ्री कितना हो जाएगा साइन 60, ठीक है तो प्रूव हो गया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3√3/2, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल गई, 3√3/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो भाई किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी थी, मैंने ये तो सही लिखा हुआ था बट मैंने जी के वाई कोऑर्डिनेट की जगह पी का वाई कोऑर्डिनेट डाल दिया था, जी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स थ्री बाय थ्री, पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है साइन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री, फिर ए बी सी अगर रखेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाय थ्री इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो साइन 60 आ जाएगा, बस प्रूव हो गया, कुछ नहीं है ग्राफ बनाना है उससे कंक्लूड कर लेना है, उससे हो जाएगा ये बहुत जल्दी से। देखो भाई कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, इमोजी बना दो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो आप सब लोग, जय क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, सबको स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार यस लिखो, ठीक है चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम करना है इससे रिलेटेड, जो हमने आपको जैसे आपको याद होगा एम जे एम इनइक्वालिटी होती थी, तो हम इनइक्वालिटी प्रूव करते थे एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो एम इक्वल टू ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है उसमें हम ऐसा बोलते थे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सो ऑन टू एक्स एन डिवाइडेड बाई एन is always greater than equal to x1, x2, x3, so on to xn whole divided by 1 by n. ठीक है तो x1 plus x2 plus x3 plus so on to xn divided by n is greater than equal to x1, x2, x3, so on to xn whole divided by 1 by n. ऐसा आपको याद होगा, तो वही और हमने क्या किया था वहां पे, आपको दो के लिए प्रूव करवाया था जब मैं सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर करवा रहा था, तो उसमें हमने क्या किया था कि जैसे दो वैल्यूज के लिए a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, फिर a की जगह 1 बाई ए रखो b की जगह 1 बाई बी रखो तो वो जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम प्रूव हो जाता है, तो वो प्रूव करना तो बहुत आसान है, ठीक है। अब तीन के लिए वहां पे प्रूव नहीं करवाया था और आपको बताया था वो तीन के लिए प्रूव करने का तरीका या चार के लिए प्रूव करने का जो तरीका है वो जेंसेन इनइक्वालिटी से सॉल्व होता है, तो वही अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है तो उसको प्रूव करते हैं। तो अभी पांच वैल्यूज ले लो, छह वैल्यूज ले लो, जितनी वैल्यूज आप लेना चाहते हो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, क्योंकि वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हैं, तो हम फंक्शन कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है, और उसके ऊपर जेंसन्स इनइक्वालिटी लगा देते हैं और उससे ही प्रूव हो जाएगा ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। तो अभी वही मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, तो से हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है तो ये मान लेते हैं हमारा ग्राफ है, तो
सिर्फ पांच वैल्यूज ले लेते हैं, पांच वैल्यूज के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, जितनी भी लेना चाहते हो ले लो, कोई किसी को दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने एक्स वन कॉमा एल एन एक्स वन। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया एक्स टू कॉमा एल एन एक्स टू, क्योंकि ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं, एक्स थ्री कॉमा एल एन एक्स थ्री, एक्स फोर कॉमा एल एन एक्स फोर और एक्स फाइव कॉमा एल एन एक्स फाइव। कितने भी ले सकते हो, सिक्स लेना चाहते हो सिक्स ले लो, एन लेना चाहते हो एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करो, इसका रेगुलर पॉलीगन बना दो। रेगुलर नहीं, नॉर्मल पॉलीगन बनेगा। रेगुलर में तो क्या होता है, सारी साइड्स और सारे इंटरनल एंगल बराबर होते हैं, तो रेगुलर नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलीगन बन गया। ठीक है, तो ये पॉलीगन बन गया। अब हमें क्या करना है, जेंसेन इनइक्वालिटी लगानी है इसके ऊपर। तो इसके बीच में एक इसका सेंट्रोइड ले लेते हैं जी, और उसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा पी। ठीक है, तो जी के कोऑर्डिनेट तो तुम जान रहे हो क्या आएंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव बाय फाइव। अब सेंट्रोइड की अच्छी चीज ये होती है, हमेशा जो भी क्वाड्रिलेटरल रहता है या जो भी पेंटागन हेक्सागन जो भी रहेगा, उसके इनसाइड ही उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सेंट्रोइड इज ऑलवेज इनसाइड। ठीक है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। नेक्स्ट इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एल एन एक्स वन प्लस एल एन एक्स टू प्लस सो ऑन टू एल एन एक्स फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। समझ आ गया आप लोगों को। अब पी के कोऑर्डिनेट देखते हैं, पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वर्टिकल लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव बाई फाइव आएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्योंकि पी कर्व के ऊपर आ रहा है तो इसी को फंक्शन में पुट कर दो, एल एन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। अब हम जानते हैं क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स शेप है, तो क्या होगा, जो P का y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा G के y कोऑर्डिनेट से क्या आएगा, बढ़ाएगा। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब सारी वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, P का y, अब यहां पे ध्यान से लिखना है, P का y कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा ये है, P का y कोऑर्डिनेट है ln ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू G का y कोऑर्डिनेट, व्हिच इज ln ऑफ x1 प्लस एल एन ऑफ एक्स टू प्लस एल एन ऑफ एक्स थ्री प्लस एल एन ऑफ एक्स फोर प्लस एल एन ऑफ एक्स फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब दोनों तरफ से लॉग हटाना है अगर मुझे, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, एल एन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आप जानते हो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम एन, तो बन जाएगा एल एन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, और जो वन बाय फाइव है यहाँ पे वो पावर में आ जाएगा। दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ है, लॉग विद बेस ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव रेशियो पावर वन बाय फाइव। जैसे मैंने पांच पॉइंट लिए हैं, आप 10 पॉइंट्स ले लो, 20 पॉइंट्स ले लो, n पॉइंट्स ले लो, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप ध्यान दो तो ये एम ही तो लिखा हुआ है और ये आपका जीएम लिखा हुआ है, तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इससे प्रूव हो जाता है। ठीक है भाई, अब किसी को डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम हो गए 37। ऑल क्लियर कर दो जिस जिसको ये समझ आ गया है। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, प्रॉब्लम 38। अब हमें क्या करना है ना, कुछ ग्राफ बनाने हैं। तो ये आप उसको रीज्वाइन करो, जिसको भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है रीज्वाइन करो। एक मिनट रुको। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अब ना कुछ ग्राफ हैं जो मुझे बनवाने हैं एओडी के बेसिस पर। तो एओडी में कैसे, क्या क्या पता चल गया आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया। पहले आप वेवी कर्व भी जानते हैं, वेवी कर्व वगैरह जानते हैं, ठीक है, हमने वो देखा हुआ है। आपको अगर याद हो कर्व स्केचिंग हमने पढ़ा था, कहीं पे हमने कर्व स्केचिंग पहले पढ़ लिया है। इंटी कहाँ पे पढ़ा था, मेरे को भी ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा। जैसे उसमें हमने ये पढ़ा दिया था ना आपको कि सिमेट्री देखते हैं हम सब लोग, शायद फंक्शन में पढ़ लिया था, सिमेट्री देखते हैं। फिर सिमेट्री के बाद हम क्या करते हैं, ऑड इवन फंक्शन वगैरह चेक करते हैं। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व चेक करते हैं। जैसे हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व हो जाता है, फिर उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, फिर कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी देखते हैं। ऐसे करके हमने ग्राफ बनाने सीख लिए हैं। तो उन्हीं उन्हीं का एप्लीकेशन जो है यहाँ पे एक बार और बताया जा रहा है। तो अब मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, ये आपको घर पे ट्राई करने, कल हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि जितना आपका बैकग्राउंड हो गया है आपको हर टाइप का ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे फिर मैं इसको स्किप कर दूंगा इस पार्ट को। तो आपको खुद से बनाने हैं पहले, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। ये देखो कहाँ पे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ सिमिट्री तो नहीं आ रही है उसमें। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, फिर अगर रिक्वायर्ड है तो कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी देखो। लिख लो इनको एक बार। ठीक है जी, तो ये ग्राफ आपको ट्राई करने हैं। हो गया सबका, लिख लिए सबने ये वाले ग्राफ, आपको ये ट्राई करना है होमवर्क में, और फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, कुछ ग्राफ इसमें से बना देंगे, कुछ हमने पहले भी बनाए होंगे आई गेस। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ये जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है इन सब पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जेंसेन इनइक्वालिटी पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है वो ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसका यूज होता है, ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ये हमने कोनिक सेक्शन में भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या स्टेटमेंट याद रखनी है, ये आपको पहले ही बता रखा है। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल और बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स।
ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का हमेशा ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दोनों उसी के लॉन्ग लाइक करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखने का मतलब होता है, जरूरी नहीं आपको वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, एक्स और वाई जो है वो अलग अलग नहीं है, एक्स और वाई मतलब एक ही एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं, एंड जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। और बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाई अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल और बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स। सिमिलरली जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है इसमें वही करते हैं, जब ये क्वेश्चंस आप इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मान लो अभी आपने मैक्सिमा मिनिमा किया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में, ऐसे हम और भी प्रॉब्लम्स करेंगे कि हम डिस्टेंस निकाल के ना उसको डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं, तो उससे वो प्रूव हो जाता है कि वो मतलब कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा या पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में आएगा। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ग्राफ आएगा यहाँ पे, कर्व्स लिख देते हैं, टू कर्व्स ऑल्सो लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल और बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है जी, चलो ये सबको क्लियर हो गया। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको इसको अप्लाई करना भी आ जाएगा, तो दो तीन क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो सबसे पहले हमारा है प्रॉब्लम 46। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एंड ऑन द कर्व फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y व्हिच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y व्हिच इज एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पैराबोला में भी किया होगा इस टाइप का प्रॉब्लम। एक बार मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, फिर आप देखना, ठीक है? क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ध्यान से सुनना, अच्छा प्रॉब्लम है, जेई मेंस में काफी आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम, एक्स माइनस वाई, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली शेप का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इस कर्व के ऊपर पॉइंट है विच इज एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो ये वाली लाइन कैसे बनेगी, एक्स को 0 डालोगे तो वाई माइनस 4 आ जाएगा, और वाई को 0 डालोगे तो एक्स 4 आ जाएगा। तो ये आपकी लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, ठीक है? तो ये लाइन हो गई हमारी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अब इसके दो तरीके हैं, तो आप या तो क्या करो, उसकी नॉर्मल की क्वेश्चन लिखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 की, और उसकी स्लोप
कॉमन नॉर्मल होनी चाहिए ना दोनों की, तो इसकी स्लोप इस लाइन की स्लोप कितनी है 1 है, तो आप उसकी स्लोप माइनस 1 कर दो। दूसरा जो और सिंपल तरीका होगा कि भाई पैरेलल टेंजेंट कॉमन नॉर्मल की बात होती है, तो क्या करो, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा होगा यहाँ कहीं, जहां पर इसकी जो टेंजेंट होगी वो इसके पैरेलल होगी, तो ये जो पॉइंट होगा यही शॉर्टर डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि यहीं पर तो कॉमन नॉर्मल बनेगी हमारी, ठीक है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन में कॉमन नॉर्मल थोड़ा ईजी पड़ जाता है, कुछ क्वेश्चन में पैरेलल टेंजेंट ईजी पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप अब हमारे पास कितनी है 1 है, तो आप इसका डेरिवेटिव लेके स्लोप को क्या करोगे 1 करोगे, देखते हैं। तो इस कर्व के ऊपर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, टी कॉमा टी स्क्वायर बाय 4 से लिखा हुआ है, इस कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया टी कॉमा टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव लिया तो कितना आ जाएगा 2x बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू x बाय 2। तो स्लोप एट पॉइंट पी, स्लोप एट पॉइंट पी ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिख लेता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू टी बाय 2, और ये मेरे को किसके बराबर चाहिए 1 के बराबर चाहिए, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बड़ा ही सिंपल हो गया। तो टी 2 हो गया, तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 कॉमा 4 बाय 4 व्हिच इज 1, तो 2 कॉमा 1 इज द नियरेस्ट पॉइंट। तो जो उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच इज नियरेस्ट टू द कर्व, वो यही है जिसका डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना है, अगर आप पी क्यू निकालना चाहते हो विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू के बराबर आ जाएगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पुट करो 2 - 1 - 4, 2 - 1 - 4 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3/√2, तो 3/√2 इज द आंसर। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देख लो एक बार, ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया है, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है तो बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स और कॉमन नॉर्मल आएगा। देखो देखो जल्दी से, ठीक है। अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको ट्राई करो, ये भी उसी के ऊपर है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 - x2 whole square + 2 - x1 whole square - 9/x2 whole square, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 - x2 whole square + √2 - x1 square - 9/x2 whole square, ठीक है। वेयर x1 belongs to 0 to √2 एंड x2 belongs to R positive। करो एक बार ट्राई इसको और आंसर बताओ इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटीजर आंसर आता है इसका, जिसको नहीं समझ आया वो इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना। सब लोग
हाँ इसका आंसर 8 आएगा। हर्ष कैसे किया तुमने? माइक ऑन करके बताओ या फिर टाइप करो। हर्ष ओके सागर तुम बताओ कैसे किया तुमने? हाँ सर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर वाली चीज देख रही थी हमें, एक कर्व डिस्टेंस मतलब फॉर्मूला बन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से दो कर्व कौन कौन से आए? तो सर वो दो कर्व आ जाएंगे, मतलब x1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 2 - x1 स्क्वायर, और x y, और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 y x। तो हाँ एक हाँ तो आ ठीक जाएगा है सर xy इज इक्वल टू 9, और ऐसे दूसरा आ जाएगा सर y² इज इक्वल टू 2 - x² हाँ। उसके तो बाद उसके बाद सर शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकाला? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करके पैरेलल टेंजेंट्स की वो निकाल लिया फिर सर। उसके उसके बाद सर वो तो चला गया, उसके बाद बचा ही। ठीक है ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ इसमें ना आपको क्या करना है। जैसे ये अगर आप टर्म देखते हो तो आपको देख के समझ आएगा, ये लिखा हुआ है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैसे ही बन रहा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो अंडर रूट ऑफ सम टर्म होता है ना। डिस्टेंस कैसे लिखते हो? अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो वही है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर है। तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है? x1 - x2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको कंपेयर करके अब हमें कर्व मिल जाएंगे, दो कर्व मिल जाएंगे। तो एक कर्व तो मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - x1 का स्क्वायर, और एक कर्व मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू 9 by x2। तो हमारे पास कर्व आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक कर्व तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा कर्व कौन सा आ जाएगा? x2 y2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और ये ध्यान रखना इसमें y पॉजिटिव है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दो कर्व के बीच का हो जाएगा। मतलब बेसिकली डी को मिनिमाइज करना है ना, डी के स्केयर को मिनिमाइज करना है। तो डी को मिनिमाइज करोगे तो डी का स्केयर तो मिनिमाइज हो ही जाएगा फिर। तो बेसिकली हमें डी को ही मिनिमाइज करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक तरीके से। तो अब एक तो सर्कल है मेरे पास, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो एक सर्कल हो गया x² + y² = 2 वाला। तो ये √2,0 हो गया, ठीक है, और ये 0,√2 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है हमें, xy = 9 है तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, और ये ऐसा आएगा। तो होगा क्या, इन दोनों की ये xy = 9 हो गया, इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कॉमन नॉर्मल और पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में आएगा। तो आप ऐसे कॉमन नॉर्मल भी बना सकते हो और पैरेलल टेंजेंट्स भी बना सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी अभी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आएगा। तो मान लेते हैं पी क्यू और आर है। तो अगर मैं बोलूंगा इन दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, वो पी क्यू होगा, और अगर मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना है, वो पी आर होगा। समझ गए? तो बस आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम हमारे को पी क्यू निकालना है एक तरीके से ना। तो अब सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि भाई मुझे पता है कि जो सर्कल की नॉर्मल होती है वो हमेशा उसके सेंटर से पास करती है। ये हम सबको पता है, सर्कल की जो नॉर्मल होती है वो हमेशा उसके सेंटर से पास करती है। तो आप क्या करो, पहले तो पी कोऑर्डिनेट निकालो। तो पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा 9 है ना, ये तो याद होगा x y = c² अगर होता है तो ct, c/t लेते हैं। तो ये बनेगा 3t, 3/t बनेगा ये कोऑर्डिनेट, 3t, 3/t। तो पी के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया 3t, 3/t, और इसकी अब नॉर्मल लिख देते हैं। तो कैसे करेंगे, x dy/dx, टेंजेंट की स्लोप निकाल रहा हूँ,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी माइनस वाई बाय एक्स। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी आ जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो एक्स बाय वाई। तो नॉर्मल की जो स्लोप आएगी हमारे पास वो आ जाएगी एक्स इज 3t और वाई की वैल्यू आ जाएगी 3/t। तो नॉर्मल की स्लोप देख रहे हो ना, एक्स इज 3t, वाई की वैल्यू 3/t, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसको ओरिजिन से पास करा रहे हैं, स्लोप भी इक्वेट कर सकते हो, आपको भी ये भी कर सकते हो कि इस कोऑर्डिनेट का जीरो के साथ स्लोप कर लो, वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो वो ही कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे ही फिर जीरो जीरो उसमें पुट करेंगे तो बेटर है। स्लोप ऑफ ओपी निकाल लें, स्लोप ऑफ ओपी इज 3/t अपॉन 3/t माइनस 0 अपॉन 3t, यहां से आ जाएगा 1/t स्क्वायर। तो ये दोनों स्लोप बराबर होंगे, नॉर्मल और ये स्लोप, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 उसका अगर आप 1 लोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, माइनस 1 लोगे इसका जस्ट ऑपोजिट ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको p डैश मान लेते हैं। तो अभी तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, t की वैल्यू 1 आ गई तो उससे p की वैल्यू आ जाएगी 3,3, तो p के कोऑर्डिनेट आ गए 3,3। ये बात सबको क्लियर हो गई, पी कोऑर्डिनेट 3,3 आ गया, बट मुझे तो क्या करना है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, मुझे पी क्यू निकालना है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू √2 है। तो अब आप एक काम करो, ओपी निकालो पहले, तो ओपी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, ओपी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3√2, समझ आ रहा होगा सबको, ओपी की लेंथ सॉरी, क्योंकि 3,3 हो गया ना ये कोऑर्डिनेट, अब 3,3 हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से √9 + 9 √18 व्हिच इज 3√2 एंड OQ इज √2। तो हमारे पास PQ क्या आ जाएगा, PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा 2√2 सबट्रैक्ट करने पर। डिस्टेंस फॉर्मूले से तो हमने OP निकाल लिया, OQ रेडियस था, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें PQ दे देगा। अब हमें क्या चाहिए, डी स्केयर चाहिए ना, तो PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डी स्केयर विच इज मिनिमम इज इक्वल टू इसका होल स्केयर, तो आंसर कितना आ जाएगा 8, तो 8 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो, नहीं तो मैं एक बार और बताता हूं जल्दी से। जिस जिसको क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो एक बार। कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, आप अटेंड करते रहो, अगर बाय चांस नहीं अटेंड कर पाते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए ना, जिन बच्चे जो बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो स्ट्रीम करके ऐप है उसको डाउनलोड करो, उसमें आपको मिल जाएगा स्ट्रीम, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम करके ऐप है, उसको डाउनलोड करोगे ना तो मिल जाएगा, उसमें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे मैथ्स के आपको। ठीक है, अब मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ, वो बताना प्रेजेंट है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। विवेक तो है नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। पारस चौहान अगर प्रेजेंट है तो यस लिखो। कृपेश्वर, शैली, जो भी इनमें से प्रेजेंट है वो यस लिखें। निष्कर्ष, रवीना, मयंक, ज्योति, पीयूष शर्मा, अरविंद रावत, आदित्य बंचारी, आयुष दीक्षित, करण सिंह, पारस, आफ्ताब अहमद, मुकुल रावत तो था भी। कोई इनमें से प्रेजेंट है? अरविंद रावत प्रेजेंट सर। अरविंद रावत प्रेजेंट। अच्छा स्ट्रीम ऐप,
अब देखो वही है कि जो अगर डायरेक्टली अगर लेक्चर व्यू कर पा रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ बच्चों का ऐसा है कि वो नॉर्मल लेक्चर चलता नहीं है, तो उसको स्ट्रीम में जाके देखना पड़ेगा। इसमें डेटा का कंजम्पशन ज़्यादा है, नो डाउट। तो आपको डेटा तो यूट्यूब से तो काफ़ी ज़्यादा डेटा लगता है, इसीलिए डेटा तो कंज्यूम होगा ही होगा। तो आपको कम से कम 1.5 GB का प्लान तो चाहिए खुद के लिए, जिसमें आप 3 लेक्चर और कुछ और लेक्चर भी वॉच कर पाओ। पारस, कृपेश्वर, शैली, निष्कर्ष, रवीना, मयंक, ज्योति, पीयूष शर्मा, अरविंद रावत प्रेजेंट हो गया, ध्रुव गुप्ता, आदित्य बंचारी, आयुष दीक्षित, करण सिंह, रागिनी, पारस, मुकुल रावत, इनमें से जो भी प्रेजेंट है यस कर दें। लक्ष्य, तुम्हारा नाम तो लिया नहीं है भाई, तुम क्यों यस करे जा रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो। आप इस सैटरडे को आपका टेस्ट होगा और वो सब्जेक्टिव होगा, एओडी के ऊपर, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस सैटरडे टेस्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, वो आज अनाउंस, आजकल में अनाउंस हो जाएगा। तो अपना पैकेज रेगुलरली करते रहें, आपके कुछ ही बच्चों के डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, बाकी बच्चे तो डाउट बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे हैं। तो जो भी डाउट आ रहे हैं टीम पे या फिर व्हाट्सएप भेजो, ठीक है? चलो नेक्स्ट है हमारा, हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 47। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशंस, ईओडी के हेल्प से अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। जैसे आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम में भी हम करते थे, ठीक है? चलो ठीक है, आदित्य इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है आपकी प्रेजेंट लग जाएगी बेटा। अप्रोक्सीमेशंस में है प्रॉब्लम 48। देखो इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेशन में आपको वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरे को अंडर रूट ऑफ 25.2 निकालना है, तो ये हम डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है? निष्कर्ष मुकुल इज ऑल्सो दे रहा हूँ, ठीक है? तो अंडर रूट ऑफ 25.2 जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको समझ आ रही है 5 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, है ना? ये वाली वैल्यू जो है ये 5 पॉइंट समथिंग तो आएगी, तो हम वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं अप टू सेकेंड डेसिमल और थर्ड डेसिमल तक। तो देखते हैं, चलो तो करना क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो आप ये जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जो होगा हम कोई एक स्मॉल वैल्यू ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल्टा एक्स इज कंपेरेटिवली अ स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू एक्स। तो ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा फिर तो वो प्रिसाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू देगा जो डेफिनेशन होती है, ठीक है? तो ऐसा होता है ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच ऐसे करके, ठीक है? समझ रहे हो सब लोग? तो वही है, हमने इसमें क्या किया, डेल्टा एक्स को एक स्मॉलर वैल्यू कर लिया, कंसिडर कर लिया कंपेयर टू एक्स। अब एफ एक्स वो लेना है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो फंक्शन कौन सा होगा इसमें, फंक्शन इसमें हो जाएगा अंडर रूट एक्स, ठीक है? एक्स की वैल्यू मैं ले लूंगा 25, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 25 मुझे पता है। डेल्टा एक्स की वैल्यू ले लूंगा मैं 0.2। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा होगा, तो वो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा होगा फिर तो 25 ही बन जाएगा ना, उसका तो अंडर रूट हमें पता ही है। तो डेल्टा एक्स कुछ फाइनाइट वैल्यू हो रही होगी वो, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू थोड़ी स्मॉलर होगी। तो अब क्या होगा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, अगर आप देखोगे इसमें पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 25.2, देख रहे हो ना फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 25 प्लस 0.2, एफ ओ एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0.2 इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना है यहाँ पे, एफ डैश एक्स है 1/2 √x, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2 √x एट एक्स इक्वल टू 5, एट एक्स इज इक्वल टू 25, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 25। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25.2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 1/10। समझ आ गया 1/10 कैसे आया, अंडर रूट अगर आप अंडर रूट के अंदर 25 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, 1/2 इज 1/2 इंटू 5 इज 1/10। तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 25.2 कितना आ जाएगा, ये 0.02 हो जाएगा, 5.02 इज द आंसर। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा, इसमें इक्वल टू ना लगा के हम इसको ऐसे लगा देते हैं, ये आंसर हो गया, बड़ा सिंपल है। अब डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है?
तो अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आ गया, ऑल क्लियर करो, अगर समझ आ गया तो कुछ भी डाउट है तो बताओ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो जैसे मान लो प्रॉब्लम 49 में मेरे को क्या करना है, 26 की पावर 1/3 लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, 26 की पावर 1/3 में एफ ऑफ एक्स मान लेंगे एक्स की पावर 1/3, एक्स मान लेंगे 27, क्योंकि वो वाली वैल्यू लेनी है जिसका पता है आपको, तो 27 पता है ना, 27 की पावर 1/3 3 होता है, ठीक है। और डेल्टा एक्स ले लिया हमने -1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 27 -1 की पावर 1/3 -27 की पावर 1/3, डेल्टा एक्स कितना है -1, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लो यहाँ पे, एफ डैश एक्स कितना होगा 1/3 एक्स की पावर 2/3, तो 1/3 एक्स कितना हमारे पास 27 की पावर 2/3, तो ये आ गया 26 की पावर 1/3 -3 इज इक्वल टू -1 बाय, अब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 27 की पावर 2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगी 27 की पावर 2/3 हो गया 3 की पावर 3, तो 3 की पावर, ये समझ गए ना, 3 की पावर 3 होगा तो 3 की पावर 2 9, तो ये 27 ही बन जाएगा। तो हमारे पास 26 की पावर 1/3 जो आएगा वो जाएगा 3 -1/27, ठीक है। देख रहे हो 3 से जो छोटी सी वैल्यू आ रही है, तो ये कितना बन जाएगा 80/27 बन जाएगा। तो इसको आप रफली कैलकुलेट कर सकते हैं 26 की पावर 1/3, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2.962, तो 2.962, तो रफली 3 डेसिमल तक ये वैल्यू आएगी, वो आप डिवीजन से कर सकते हो, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया आप सबको, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा आगे का डिटेलिंग बता देता हूँ आपको, एओडी का पैकेज अपलोडेड है, उसको कंटिन्यू करें सब लोग। हमारा अब इसमें एक टॉपिक बचा है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेंदी है वो, और देख लेता हूँ मैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। तो हमारा अब टॉपिक बचा है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा होता है, मान लो मैंने बोला कि आपको एक डब्बा बनाना है, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो, ठीक है। तो आप बेटा, आप सब लोग ना लोकेशन देखा करो, आपके घर में अगर इंटरनेट का लोकेशन कहीं पर से ही आएगा तभी आप इसमें अटेंड कर पाओगे, क्योंकि अब इसमें क्या है ना, बहुत बच्चे भी आगे इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो सर्वर पे लोड ज़्यादा है, तो थोड़ा डेटा कंजम्पशन ज़्यादा होता है इसमें। अब सुनो, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारा बचा हुआ है एओडी में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है मैक्सिमम 2-3 दिन का चैप्टर और है ये, तो ये खत्म हो जाएगा। तो आपका अब सैटरडे जो आएगा, सैटरडे या संडे जो भी मेरे को लगेगा, सैटरडे संडे में से अगर मेरे को लगेगा सैटरडे को क्लास लेनी है तो मैं संडे को टेस्ट रख लूंगा, ठीक है। तो सैटरडे संडे को हम इसका टेस्ट रखेंगे एओडी का, और उसमें सब्जेक्टिव होगा। उसमें क्या करना होगा, आपको जैसे पिक्चर खींच के उसको अपलोड करना होगा, जैसे आपने उसको सॉल्व किया पिक्चर खींच के अपलोड करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रख लेंगे उसमें, ताकि चीटिंग कम से कम हो पाए। तो एक तो ये हो गया, बाकी आपका होमवर्क है, आप इसके पैकेज को जल्दी से जल्दी फिनिश अप करो, इसके नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे एरिया और डी, ठीक है। तो स्पीड अभी थोड़ी ठीक है हमारी, और अपना लेक्चर्स आपको वो भी ध्यान रखने हैं कि वेडनेसडे और फ्राइडे को अपने एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं 2:30 to 3:30, ठीक है। चलो, तो आज का ये पार्ट खत्म हो गया है, ऑप्टिमाइजेशन बचा है, इसको भी खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, जय हनुमान करके एग्जिट करो सब लोग।